हेलो दोस्तों, शनि मूड में आपका स्वागत है। बिहार फॉरेस्ट गार्ड 2019 के लिए जो लड़के फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए हैं उनका पीईटी के लिए एडमिट कार्ड आज से अपलोड होने लगेगा और वो अपना एडमिट कार्ड अपलोड कर लेंगे। कितने बजे से होगा मैं आपको बताता हूँ। और जो लोग अपना रिजल्ट नहीं देख पाए थे रजिस्ट्रेशन नंबर के नहीं कारण, रोल नंबर के नहीं कारण, वो अपना नाम डालकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं कि उनका रिजल्ट आया है कि नहीं आया। बहुत लोग कंप्लेन किए थे, सर मेरा एडमिट कार्ड खो गया है मैं क्या करूँ, तो अब दे सकते हैं। ठीक, उसमें उनका नाम आ गया होगा। जो दौड़ होगा वो 16 से लेकर 18 अक्टूबर तक होगा। और ये जो दौड़ होगा ये कहाँ होगा सब डिटेल मैं आपको बताता हूँ। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, हम बिहार पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल CSBC आप डालिएगा तो आपको खुल कर आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर देखिए दो ऊपर का है, ठीक, दो देखिए, एक PET शेड्यूल फॉर कैंडिडेट जो फिजिकल के लिए है और नीचे आपको दिया हुआ है आपको डाउनलोड AE एडमिट कार्ड जो है इसके लिए। ठीक, तो इस पर सबसे पहले हम लोग डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक करते हैं। जब क्लिक कर हम लोग खोलते हैं तो यहाँ पर देखिए ये क्या आ रहा है। ठीक, यहाँ पर साफ साफ लिख रहा है कि जो ये डाउनलोड होगा ये 20 तारीख को होगा और 12 PM से ये होने लगेगा, 12 PM से। ठीक, तो ये होने लगेगा, अभी इसमें टाइम लगेगा, तो 12 PM के बाद आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। फिर हम पीछे जाते हैं और एक इसके ऊपर वाला जो 19 तारीख के डेट में आया वो उसको खोलते हैं और उसको खोलकर PDF में मैं खोलकर आपको दिखाता हूँ कि कितने लड़के पास हुए और कहाँ इनका फिजिकल होगा। ठीक, ये देखिए, ये आपको खुल कर आ गया। मैं इसका जो PDF है वो शेयर कर दिया हूँ, आप टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हैं, नीचे लिंक दे दूंगा वहाँ से। यहाँ पर देखिए, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती द्वारा बिहार राज्य में वर्ष 2019 में वनरक्षी पद के 902 जल्दी से जल्दी वनरक्षी पद अगर पूरा कर ले रहा है तो जस्ट आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी वैकेंसी आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, ये जो संजय गांधी जैविक उद्यान गेट नंबर 1 है वहीं पर आपका होगा। 16 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक दौड़ होगा। ज़्यादा लोग नहीं पास हुए हैं, 1800 कुछ लोग पास हुए हैं क्योंकि 902 वैकेंसी था और उसके 2 गुना रिजल्ट देना था। जो लोग एडमिट कार्ड जो है ये जाने के लिए, ठीक, एडमिट कार्ड फॉर PET उनका नहीं होगा डाउनलोड, वो 14 से 15 अक्टूबर को केंद्रीय परिषद के बैंक हॉर्डिंग रोड जो सचिवालय हॉल्ट के बगल में है वहाँ पर जाकर पता कर सकते हैं और वहाँ से अपनी जानकारी ले सकते हैं। ठीक, क्यों नहीं हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पर देखिए, ये लोग जो हैं, यहाँ पर आपको साफ साफ नाम है देख सकते हैं कौन से शिफ्ट में है, नाम है किस डेट में है, 16 को डेट में देखिए कितने बजे है, आपको टाइमिंग दिया हुआ है, ठीक, रिपोर्टिंग टाइम भी, और ये रोल नंबर इधर दिया हुआ है। अगर आप नाम भी डालते हैं यहाँ ऊपर में देखिए, ऊपर में सर्च करने वाला आएगा, वहाँ पर आप नाम अगर डालते हैं, नाम डालकर आप सर्च कर लीजिएगा और अपना नाम भी खोज सकते हैं कि मेरा हुआ है रिजल्ट कि नहीं हुआ है। ठीक, और आपका कब होगा फिजिकल ये सब दिया हुआ है। तो यही वीडियो बनाने का पर्पस था।